व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कोड देखे कितनी शानदार है, डील विद योर प्रॉब्लम्स बिफोर दे डील विद योर हैप्पीनेस। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग सोच सकते हैं जिस तरीके से बोला जाता है कि एक एक बूंद मिलने से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद बूंद से ही एक समंदर बन जाता है। उसी तरीके से अगर आप अपनी प्रॉब्लम को भी इकट्ठा करते हुए चले जाएंगे तो वह प्रॉब्लम भी एक पहाड़ बन जाएगी, और एक इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा जिसके नीचे दबकर इंसान मर भी जाता है। तो कभी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जरा सा रुकिए और उसका सोचिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़िए। कभी भी प्रॉब्लम को पोस्टपोन मत कीजिए कि फ्यूचर में कल देख लूंगा, इसको परसों देख लूंगा, क्योंकि कल किसी का कभी नहीं आता है। और ये कल कल करते ही पता नहीं कितने कल निकल जाते हैं, और फिर इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, दिखने लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से प्रिपरेशन में लाइफ में आदमी करता है, क्या करता है, न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ता हूँ, आज डिस्कशन नहीं सुनता हूँ, कल कर लूंगा यार, कल फिर नया आ जाएगा। भाई कल कैसे कर लोगे, कल कर लेगा, कल कल वाला आ जाएगा, परसों कर लेगा, फिर दो दिन के इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए जिस दिन जो करना है उसको उसी दिन फिनिश करो। अपना टारगेट रखो, टारगेट बनाओ लाइफ में कि आज मुझे ये कर कर सोना है। देखिए दो चीज रखो, एक तो लाइफ में बोल रहा हूँ, एक तो रात को सोने से पहले डिसाइड करो कि सुबह कल क्या करना स्टार्ट करना है, मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक क्या होना है, ठीक है? एक तो ये डिसाइड करो, उसके बाद में तब तक मत सो जब तक कि जो डिसाइड किया है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है? और फिर अगले दिन का तैयार करो सोने से पहले। तो इस तरीके से लाइफ को जीना सीखो, फिर देखो लाइफ कितने अच्छे तरीके से चलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके हिसाब से चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आज 23 में है, देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी एग्जाम से रिलेटेड पेनड्राइव और टैबलेट खरीद सकते हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है, ये रिलेटेड टू ईवीएम मशीन से है। यूपी में इलेक्शन होने के बाद में बहुत सारी पार्टी के मन में आशंका आ गई कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, जिस तरीके से बीजेपी जीत कर आई, ठीक है? तो ईवीएम मशीन पर क्वेश्चन मार्क लगने लगे, तो उस क्वेश्चन मार्क जो इतने सारे लगते आ रहे थे, पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद में और सारे कनेक्ट होते चले गए उसमें, तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए, पार्टियों की आशंका को दूर करने के लिए एक तरीके की कॉन्फ्रेंस आप लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज कराई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और बोला गया है जितनी भी पार्टी है आइए और ईवीएम को हैक कर दिखाइए। तो ये एक तरीके का ओपन चैलेंज है, इसके बारे में बताऊंगा ईवीएम मशीन क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, और कहां हमारी कंट्री में ये आज की डेट में बनाई जा रही है, तो सारी पूरी डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, ओके? डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरेबिया गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच दी, और किस तरीके से अपना उनका जो पैटर्न है, जो बराक ओबामा जी फॉलो करके चलते थे, उसके अब चेंज होता दिख रहा है, तो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ईरान का क्या रोल है यहाँ पे, और ईरान को किस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएसए आज की डेट में देख रहा है। ये वाला आर्टिकल ईरान के अभी प्रेसिडेंट नए चुनकर आए हैं हसन रूहानी जी, उनके बारे में है, सॉरी। हालांकि देखिए इतने वाले पोर्शन में यहाँ पे ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करेगी, किसको चूज किया गया, वो सब चीजें हैं, पर लेकिन दो पॉइंट यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। एक तो किस तरीके से यूएस का टर्न चल रहा है इसके ऊपर, और सऊदी अरेबिया का क्या पॉइंट है इसमें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके? ये वाला आर्टिकल म्यांमार से रिलेटेड है, वैसे तो म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पर लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां से इसके बाउंड्री टच होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इस आर्टिकल को ओवरव्यू दूंगा, और इसके बाद भी आपको नोट्स भी मिलेंगे, खैर देख लेंगे आर्टिकल को अच्छे से, आप लोगों को हिस्ट्री भी कम से कम पता चल जाएगी इसी बहाने से इसके आर्टिकल के तहत, ठीक है? ये वाला आर्टिकल वैसे तो पेरिस पीस क्लाइमेट जो सबमिट होती है उससे रिलेटेड है, पर लेकिन जो पूरा फोकस दिया गया है यहाँ फंड पे दिया गया है, फंडिंग कहाँ से आती है और किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, और लोगों को मतलब जो आज की डेट में कंट्री है जो कि इमर्जिंग कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री या फिर पुअर कंट्री जिनको बोला जा सकता है, या कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनको न्यू बोर्न कंट्री बोला जा सकता है जो कि नई नई डेवलप्ड हो रही है, और काफी कंट्री ऐसी हैं कि उनके पास में मतलब पैसा नहीं है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी वो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम झेल रही है, तो किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो हमारे काम के जो जो पॉइंट है हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है? ये वाला आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे किसी काम का नहीं है। नीचे वाला आर्टिकल बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यहीं पे एक मनरेगा स्कीम थी, ठीक है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यूपीए के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, तो यूपी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो स्टार्टिंग से ही बीजेपी क्या करती थी, इसको क्रिटिसाइज किया करती थी, पर लेकिन अब आके बीजेपी ने इसको सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट कर दिया गया है, तो जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे पहले आज के डेट में उसी को बढ़ावा दे रहे हैं,
ठीक है। इसके अलावा जीएसटी के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया हल्का सा कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो अच्छे लेवल पे वर्क होगा। और इसके अलावा यूपी के बारे में जिक्र किया गया है थोड़ा सा। यूपी में देखिये जब स्टार्टिंग से ही जब से यहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी आया तो स्टार्टिंग में जब कंपेन चल रहा था वहां पे बोला गया था कि यूपी का लोन माफ कर दिया जाएगा। तो ये बोला गया कि लोन माफ करना क्या सोल्यूशन होता है, तो लोन माफ कर देते हैं उसकी तर्ज पे फिर दूसरे स्टेटों को भी फोर्सली माफ करना होता है। तो ये अच्छे लेवल से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं है, इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही दो तीन चीजें डिस्कस की गई हैं, हालांकि कुछ नहीं है, सब चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ये वाला रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे आर्टिकल है, एग्जाम के काम का नहीं है। बच्चों की ग्रोथ काइंड ऑफ किस तरीके से काफी रिसर्च टाइप की दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है। इन आर्टिकल को देखते हैं अब हम लोग, तो इस आर्टिकल से हम अपने स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पार्टियों को बोला है कि दम है तो आओ हैक करके दिखाओ, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है, मतलब इसी तरीके से बोला गया यार, इरिटेट कर दिया बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, कि इसको हैक किया जा सकता है, प्रोटोटाइप भी ले लेकर आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आर्टिकल में क्या क्या चल रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया है पॉलिटिकल पार्टी को कि आओ इसको हैक करके दिखाओ, ठीक है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है कंप्लीट। तो देखिए उसी के पहले एक बार देख लेते हैं ये ईवीएम मशीन है क्या। ये देखिए टोटल ईवीएम मशीन ये है यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी कंट्रोल यूनिट होती है, यहाँ पे ये वाली यूनिट है जिसपे यहाँ पे साइंस वगैरह होते हैं, इसको दबा के ये वाले सिंबल्स होते हैं कि किसको आपको वोट देना है, ठीक है। इसके अलावा ये वीवीपीएटी होती है जिसके द्वारा कंफर्मेशन होगी कि आपने किसको यहाँ पे वोट दी है, ठीक है ना। ये ईवीएम टोटलाइजर है, जितना आपने उसमें डाल दी है वोट वगैरह उसका टोटल करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये ईडीओ मशीन है, ये भी काउंट करेगी। तो जितना ये कंप्लीट सिस्टम है यहाँ पे, आप लोगों को ये पूरा सिस्टम पिक्चर में दिख रहा है, ये सिस्टम अगर किसी टेबल पे रख दिया जाए तो ये कंप्लीट अपने आप में ही सब कुछ है। ना तो इसमें कोई सिम लगा हुआ है, ना इसमें कोई इंटरनेट लगा हुआ है, ना इसका कोई ऐसा कनेक्शन है वाईफाई के द्वारा कहीं बाहर से इसको कनेक्ट किया गया है, ना वायरिंग के कनेक्शन के द्वारा। जहां पे टेबल पे ये रख दिया गया है ये कंप्लीट यही सिस्टम है। इसके अलावा इसका बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो यहाँ पे घुसकर इस सिस्टम के अंदर ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी वायरस की तरह या किसी भी तरीके से इसको हैक किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टैंड है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्टार्टिंग में मायावती जी ने स्टार्ट किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी भी रेस में आ गए, उन्होंने सबने ब्लेम किया कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकल में वही बातें लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग में बोला गया है, देखिए बिल्कुल डिपेंड, मतलब एक तरीके से स्टैंड अलोन रहती है, ठीक है ना। किसी के सिंगुलर इंस्ट्रूमेंट है और बाहर के किसी भी चीज से मतलब डिपेंडेंट नहीं रहती है, इस तरीके से कि बाहर के उससे कोई नेटवर्क इससे कनेक्टेड हो रहा है। तो वही बातें यहाँ पे दी गई है। पर लेकिन जो यहाँ पर आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या कह रही है, एक तो मेलेसिस कोड डेवलप किया जा सकता है जिसके बेस पर इसकी जो चिप वगैरह है एम्बेडेड करके एक तरीके से ऐसा, मतलब बोला क्या गया था, ये बोला गया था कि जैसे ईवीएम है ना, ये ईवीएम मशीन है कि आप कोई भी बटन इसमें दबा रहे हो सारी वोट बीजेपी को जा रही है, इस तरीके से इसकी कोडिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये आरोप लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, रिप्लेसिंग द चिप, कि इसके अंदर चिप को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। चिप को रिप्लेस करने के बाद में कम्युनिकेट वाली वही बात है कि अपने आपसे जिस भी पार्टी को आप वोट कराना चाहते हैं वो वोट कराई जा सकती है, ये बातें बोली गई थी सारी पार्टियों के द्वारा। पर लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि यार देखो इसको प्रॉपर वे में रखा जाता है, प्रॉपर वे में चेक किया जाता है और सारी चीजें एक प्रॉपर सर्विलेंस में होती है। सबसे पहला तो ये बोला गया जैसे ही मशीनें बनने के बाद में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास में आती है तो उनको रैंडमाइज्ड, मतलब ये रैंडम तरीके से डिप्लॉय कर दिया जाता है, ये पता नहीं रहता है किसी को कहां पे रख दिया गया है, ठीक है। सील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और उसकी एक तरीके से निगरानी में रखी जाती है बकायदा अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ भी मान लीजिए किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसके बाद मान लीजिए जब इतनी गड़बड़ होने के बाद भी जब पोल कंडक्ट कराए जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, ये आर्टिकल में नहीं दिए गए, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां से मशीन रखी हुई होती है पहले वहां पे चेक की जाती है, फर्स्ट प्रोसेस ही होता है। उसके बाद में जब मशीन जहां पे मतलब एक तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पे पोलिंग हो रही है, जहां पे कोई आदमी वोट डालने जा रहा है, वहां पे स्टार्ट होने से पहले फिर वहां पे जाके उसको चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको बुलाया जाता है और वो बटन दबा के दिखाया जाता है कि आपने वोट डालो और आपकी उसे वोट जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। तो पहले जहां से निकली रूम से वहां पे चेक की जाती है, फिर जहां पे पहुंच गई वहां पे चेक की जाती है। इसके अलावा भी फिर उसको स्टार्ट करने से पहले जो वहां पे ऑफिशियल्स हैं वो चेक करके देखते हैं कि सही तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो थ्री लेवल की तो यहाँ पे एक तरीके से चेकिंग हो गई और इससे पहले भी अच्छे लेवल पे चेक किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ कर भी दी है, पर लेकिन जब यहाँ पे सबके सामने चेक की जा रही है तो फिर तो किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। तो ये बात इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये तो बात अलग हो गई। इसके अलावा वीवीपीएटी,
वीवीपीएटी का भी हिसाब लगाया जा रहा है, वेरी इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब ये यहाँ पे जो मशीन आप लोगों को दिख रही है ये वाली वीवीपीएटी है। जैसे ही आप लोग बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो बटन दबाते ही यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि किस आदमी को आपने, किस इंसान को आपने वोट दिए, उसका सिंबल क्या है, आपकी वोट हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इसका मतलब आप वेरीफाइड कर सकते हैं। हालांकि पेपर यहाँ से लेके आप अपने साथ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर लेके यहाँ से जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम क्या होगी, आप पेपर लेके गए यहाँ से पोलिंग स्टेशन से बाहर निकले, जिस कैंडिडेट आपका मोहल्ले पड़ोस में जो पड़ोसी रहता है वो बोलेगा किसको वोट डाल के आए हो, तो मतलब डर भी रहेगा, सब कैंडिडेटों को ये बोला जाएगा पेपर लेके आना अंदर से, और बाहर जब लेके जाएंगे तो चेक किया जाएगा किसको वोट दिए, तो ये एक तरीके से फ्री पोलिंग नहीं होगी। तो इसलिए पेपर ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, पेपर वहीं पर ही रहेगा, बस ये पता रहेगा आपको, कंफर्मेशन आएगा कि आपने किसको वोट दी है, बस एक तरीके से कंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, वीवीपीएटी अनदर लेयर अकाउंटेबिलिटी डालेगी इसके अंदर। ठीक है, और वोटर जब वेरिफाइडेबल चॉइस रहेगी आदमियों के पास में, एक तरीके से बैलेट यूनिट रियल टाइम दिखाएगी वहां पे। मतलब मान लीजिए आपने वहां पे वोट डाली है 10:15 और 30 सेकंड पर, तो उस पे ये रियल टाइम लिखा हुआ आएगा वहां पे कि इस टाइम आप लोगों ने वोटिंग डाली है। रियल टाइम का मतलब मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, अगर फोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो जैसे ही आपने कोई वर्ड बोला तो सामने वाले को उसी टाइम सुन जाए वो, तो ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है। जब टाइम जब कोई एक तरीके से हैपन हो रही है, कोई सिचुएशन कोई घटना, तो उसी टाइम उसका पता चल जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो रियल टाइम एक तरीके से यूनिट रियल टाइम के बेस पे चलेगी। ठीक है, इसके बाद भी अगर इतना कुछ होने के बाद भी फिर क्या कर रहा है, वोट भी अपने आप हिसाब रख रही है। पोस्ट इलेक्शन क्या हिसाब रख रही है कि कितना सारा काउंटिंग हो गया, कि सारी मतलब टोटलाइज कर रही है कि कितनी वोटिंग चली गई, कितना आ गया, रियल टाइम क्या चल रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है अवेलेबल। तो इसलिए तीन यहाँ पे ये चीजें हो गई, मतलब पहला तो मशीन कब बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है उस पर ध्यान रखा जा रहा है, कहाँ पे रखी जा रही है उस पर ध्यान रखा जा रहा है, फिर जब उसको वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाहर निकाल के ले रहा है तब ध्यान रखा जा रहा है, इसके बाद फिर मशीन भी अपने आप में भी वर्क कर रही है, कितनी वोट आई है, सारी चीजें सारा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो ये इतना सारा एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को फिर भी इसके बाद भी मतलब अगर कोई आशंका है तो उसके लिए ये एक तरीके की हैकाथॉन मतलब आइए और हैक करके दिखाइए। 3 जून को कंडक्ट कराई जा रही है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये साबित करने के लिए देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी एक मीटिंग, एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया था, उसमें क्या किया उन्होंने, जो ईवीएम मशीन है उसको हैक करके दिखाया कि इसको हैक किया जा सकता है। तो उन सब चीजों से जितनी पॉलिटिक्स गर्मा गई तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मजबूर होकर आप लोग बोल सकते हैं सारी पार्टी को बोला आइए अब देखिए आप तो जो करना है आइए इसको हैक करके दिखाइए। ठीक है, तो जिससे कि देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी के तरीके से काम नहीं होगा तो फिर बहुत ही बड़ा एक तरीके से मतलब सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो भी आदमी आ रहा है चूज करके हमारे द्वारा भेजा जा रहा है वहां पे, अगर उसको चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, अगर वहां पे किसी को आशंका हो रही है तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए, पब्लिक का ट्रस्ट भी बना रहता है इससे, वरना सब ये सोचेंगे कि पता नहीं किसको डाल रहे हैं वोट और पहुंच किसको रही है। तो वो सारी चीजों एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और किसी तरीके का कोई भी करप्ट प्रैक्टिस ना हो सके, ये इसीलिए एक हैकाथॉन कंडक्ट कराई गई है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, हैकाथॉन बोला जा रहा है इसको। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी, ये भी कई बार पूछ ली जाती है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जो यूज हुई थी वो 1999 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, 1999। तो इसके बाद में जो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसको अभी छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया गया था, एक बार देखा गया था टोटल कितनी यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, 500 कितनी हो गई, 43, दो टोटल है 545, तो दो कौन सी होगी, वो नॉमिनेटेड हो गई। ठीक है ना, नॉमिनेटेड सीट हो गई जिनको एंग्लो इंडियन के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली सीट हो गई, दो नॉमिनेटेड हो गई, तो इनमें से 543 में से 8 पे अभी इसको ट्रायल करके देखा था। ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के बेस में इसको स्टार्ट किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट इस तरीके से बोल देते हैं कि मतलब एक प्रोजेक्ट कहीं पे लगा दिया किसी चीज को देखने के लिए कि सही वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको बोला जाता है। तो जनरल इलेक्शन 2014 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा की जाती है, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर में इसके द्वारा की जाती है, दूसरा आप लोगों को बताना है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवीएम इतनी ज्यादा न्यूज में आ चुकी है, तो इसलिए इसके बारे में कम से कम किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है इतनी तो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये बता दिया मैंने, सेकंड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखिए आंसर दीजिए, मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि ज्यादा कुछ डिफरेंट है, रिवीजन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें पूछी जा रही है, आप लोग रिवीजन भी हुए और चीजें को अच्छे से जानते भी रहे। ये आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप अभी अपनी विजिट सऊदी अरेबिया पे गए हैं जहां की उनकी फर्स्ट कंट्री ये है सऊदी अरेबिया जहां पे गए हैं। और देखिए जब से स्टार्टिंग से डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया था 7 मुस्लिम कंट्रियों को बैन कर दिया गया था। ठीक है ना, वहां के सिटीजन को,
ठीक है। तो जो इस तरीके के स्टेप्स लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी ये सोचने वाली बात थी, जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्रिटिकल था इनके लिए भी जिस तरीके से इन्होंने बैन लगा दिया था। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है, काफी कुछ कई सारी डायमेंशन डिस्कस की गई है। एक बार पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये रेड सी हो गया यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये पर्शियन गल्फ हो गया, इसके ऊपर एक गल्फ ऑफ ओमान हो गया, यहाँ पे ओमान हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और आप लोगों को यहाँ मैप में भी ढंग से दिख जाएगा, ये यहाँ पे हो गया सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इंडिया हो गया, इंडिया के रेफरेंस में देखा करो कोई भी कंट्री आप लोगों को देखनी हो अगर, तो कैस्पियन सी हो गया यहाँ पे, ब्लैक सी हो गया यहाँ पे, जॉर्जिया हो गया यहाँ पे, टर्की हो गया यहाँ पे जिसके बारे में इतनी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पास है ये वाला पोर्शन टर्की का, यहाँ पे यूरोप में आता है, और ये वाला पोर्शन एशिया में आता है। साइप्रस हो गया यहाँ पे, जिसके ऊपर आधा पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टर्की का आधा पोर्शन साइप्रस टर्की के अंडर में है और आधा नीचे है, तो साइप्रस वाले चाह रहे थे कि इंडिया जो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करे और बोले टर्की को कि हमारा पोर्शन छोड़ दे, जिससे कि हम मिलकर काम करने लगे, जब साइप्रस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे तो इस तरीके की बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। अर्मानिया के साथ में भी कुछ इसी तरीके के रिलेशन चल रहे थे, टर्की के दोनों के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए इंडिया वाले भी देखिए टर्की के साथ में दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो टर्की हमेशा कमेंट करता है इंडिया और पाकिस्तान को सोल्यूशन मिलकर सोल्व करना, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू है मैं उसको आके सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो वही है कि जैसे को तैसा, तो इंडिया ने भी बोला कि जो साइप्रस के साथ में आपके रिलेशन है हम भी आकर उनको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। तो वही है, इसी तरीके से बातें की जाती हैं। सऊदी अरेबिया है यहाँ पे एक तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्री है, ठीक है ना, तो इसके बारे में मतलब इसकी करेंसी हो गई, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है, रियाल हो गई, और कैपिटल क्या हो गई, रियाद हो गई। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओबामा जी की जो एक पैटर्न था, जिस तरीके से पॉलिसी लेके चला करते थे ओबामा, बराक ओबामा जी, तो अब वो रिटायर हो गए हैं, अब जो ट्रंप आ गए उनकी जगह पे, तो जो पॉलिसी वो चल रहे हैं उसको एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से तेहरान के साथ में इनके रिलेशन थे, तेहरान कहाँ की कैपिटल है, ईरान की कैपिटल है, फिर से मैप में देख लीजिए एक बार, ये हो गया ईरान यहाँ पे, ठीक है ना, ईरान हो गया यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर सऊदी अरेबिया के, यहाँ पे देखो तो ये वाला ईरान हो गया। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके साथ में इनके जो रिलेशन है बिल्कुल अच्छे नहीं रहते, ये एक तरीके से मतलब सुन्नी कंट्री है, ठीक है ना, ये सुन्नी कंट्री है और ये वाली सिया कंट्री है। सुन्नी को ये माना जाता है कि थोड़ा सा मतलब ये अपने धर्म को बहुत ही मतलब वो नहीं होते हैं कि क्रिटिकल रूप में फॉलो करते हैं, जरा सा भी उसमें इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए, इधर उधर बातें नहीं होनी चाहिए, अपना धर्म जो है वो बहुत ही कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं। और जो ये है यहाँ पे सिया मुस्लिम जो होते हैं, ये थोड़ा सा लिबरलाइज हो जाते हैं कि हाँ यार जो चल रहा है चलने, तो थोड़ा काइंड ऑफ चीजें मतलब इतना प्रॉपर नहीं रहता, मतलब चीजें वही है, हर एक धर्म में पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी देख लीजिए आप लोग, कुछ तो आदमी ऐसे होते हैं कि हाँ हिंदुजम है, बिल्कुल हिंदुजम है, कुछ कहते हैं हाँ भाई हिंदू है, अब ये थोड़ा ना सबको दिखाते फिर कि हम हिंदू है, तो काइंड ऑफ चीजें तो हर जगह कुछ इसी ऐसी तरीके से बुद्धिज्म में भी रहती है, जैनिज्म में भी रहती है, जिस तरीके से देखा होगा ना आपने पीतंबर दिगंबर श्वेतांबर सब दुनियादारी, तो सब जगह हर तरीके की इस तरीके की चीजें रहती हैं, तो सब धर्म में डिवाइड रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी रहता है, तो ये जो कंट्री है जितनी भी सुन्नी कंट्री है, ये मैक्सिमम इस ईरान से मैक्सिमम कंट्री चिढ़ती है। ठीक है, तो खासकर एक तरीके से जो आईएसआई वाला फंडा है, आईएसआईएस वाला फंडा है, उसको देखते हुए ईरान हमेशा इसको अपोज करता है, पर लेकिन ये ईरान एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा इसको अपोज करता है, पर लेकिन इसके तहत जो सह दी जाती है, जगह दी जाती है रहने के लिए, वो ये सारी कंट्री मतलब बोलती तो है कि हम आईएसआई को खत्म कर देंगे, पर लेकिन उस तरीके की चीजें देखने के लिए नहीं आती है। तो काफी चीजें हैं दोनों आर्टिकल में, यही सारी चीजें देखने को मिलेगी दोनों आर्टिकल में, किस किस में, एक तो ये वाला आर्टिकल जो कि ईरान से रिलेटेड है, और दूसरा ये वाला आर्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल में मैक्सिमम यही चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि फिर लोगों आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। ठीक है, तो देखिए ट्रंप ने क्या किया था, बैन कर दिया था मुस्लिमों को आती, तो सबसे पहले तो वो बात हो गई, तो इसके अलावा कोर्ट ने क्या किया था, फिर उसको कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया था, जो इनका डिसीजन था वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था। तो ट्रंप अभी जब यहाँ पे गए, तो लगभग 50 मुस्लिम कंट्रियां हैं कुछ जो लीडर हैं वहां पे आ रहे थे, तो उनको संडे में इन्होंने अपने भाषण दिया, तो भाषण में क्या बोला कि सबको मिलकर साथ काम करना है। ठीक है, इस्लाम कोई टेररिज्म नहीं फैलाता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो एक अलग तरीके की एक्टिविटी है, और उनको सबको मिलके उसके साथ में लड़ना है। ठीक है, ये वही ट्रंप है जो पहले बोला करते थे कंपेन के टाइम पे कि मुस्लिम टेररिस्ट है और वो सारी जितनी मुस्लिम है उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, तो इनको बिना पैंदी का लोटा भी बोला जा रहा है, इनको खुद नहीं पता है बोलना क्या है, इनकी ऑफिशियल कुछ कमेंट करते हैं ये कुछ कमेंट कर देते हैं आगे, तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं, यहाँ तक की भी बातें चल पड़ी थी बीच में हालांकि, कि इंपीचमेंट कर देते हैं कि काफी हद कर दिए इस तरीके के, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है वर्ल्ड की एक मतलब सबसे शक्तिशाली कंट्री और इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, तो वो भी बात देखने में आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या किया गया, इनके द्वारा 110 बिलियन
आर्म्स डील सेट की, आर्म्स डील सेट की गई है किसके साथ में, सऊदी अरेबिया के द्वारा, सऊदी अरेबिया के साथ में। ये आज तक की इनकी सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, ठीक है। तो अमेरिका सप्लाई करेगा, जो अरब अलाइज है इनको, सारे वेपन सप्लाई करेगा। इससे क्या होगा, वेपन सप्लाई करने से, वेपन सप्लाई करने से दो बातें होंगी, एक तो जो इनकी इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इनकी कंट्री में जॉब क्रिएट होगी। अब मान लीजिए वहां से वेपन आ गए, तो यहाँ पे वेपन भेज दिए इन्होंने, अब ये क्या करेंगे, तो वेपन यूज करेंगे ना, किसके साथ लड़ना है, क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ना जॉब क्रिएट हो रही है। तो सारा इकोनॉमिक जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिल रहा है, वो मैक्सिमम यूएसए को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक तो ये बात होगी, इसके अलावा जो ट्रंप ने मैसेज भी दिया है एक तरीके से, क्या कि वो सऊदी अरेबिया और अलोंग विद इसराइल के साथ में मिलकर काम करेंगे अपना, ठीक है। जो कि एक तरीके से ओबामा जी की पॉलिसी थी, वो इनके साथ तो मिलकर काम कर ही रहे थे, इसके साथ में वो ईरान को भी साथ लेके चल रहे थे, और ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील की थी उन्होंने, पर लेकिन इन्होंने वो न्यूक्लियर डील वगैरह सब कुछ साइड में रखते हुए अपने कंपेन के टाइम पे भी बोला था कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आते ही इन सब चीजों को, जो डील वगैरह है, ये सारी चीजें साइड में रख दी जाएंगी उठा के, ये इन्होंने बात बोली थी, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप का एक अलग ही फंडा निकल के आ रहा है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ओबामा जी से, कई इशू पे अगर देखा जाए तो, वो भी हम लोगों को अगले वाले आर्टिकल में देखने को मिलेगा, काफी सारी क्लियरिटी उसमें भी आएगी। अब ये वाला आर्टिकल तो यहीं पे खत्म हो गया। इस वाले आर्टिकल में क्या बोला गया कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि पीस बनाना, वेस्ट जो वेस्ट एशिया है वहां को चाहते हैं कि एक पीसफुल कंट्री रहे, पीसफुल एरिया रहे वहां पे, तो उनको ऐसा नहीं है कि एक साइड को लेके चलना है, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात बोली गई है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर ये मतलब इतने ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स वगैरह की, वेपन से कभी भी पीस नहीं आता है, ठीक है। तो ये अगर इसको वेपन को यूज करेंगे टेररिस्ट को कंट्रोल करने में, तो वो एक बार बोली जा सकता है, अगर इसको यूज करेंगे अपने आप को सिक्योर डिटरेंस करने में, तो फिर तो कोल्ड वार वाली सिचुएशन बननी ही बननी है, ठीक है। तो ये बात हो गई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैप काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी ईरान में इलेक्शन हुए, इधर आप लोगों को दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हसन रूहानी जी, ठीक है ना। तो ये हसन रूहानी जी अभी चुन के आए हैं और ये प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बन गए, एक साइड में तो हसन रूहानी जी हैं और दूसरी साइड में ये वाले लीडर हैं, ठीक है। ये वाले लीडर हैं दूसरी साइड में जो कि हार गए हैं, इन वाले लीडर का नाम है इब्राहिम रायसी, ठीक है। तो जो माना जा रहा था, एक्चुअली क्रिटिसिज्म क्या था, जब से न्यूक्लियर डील वगैरह हुई है तब से लेके आज तक का ये फंडा देखा जा रहा था कि ईरान में काफी सारी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे लेवल पे होने लगी है, ठीक है। पहले जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, अब काफी अच्छे लेवल पे होने लगे, ये बोला गया था कि 6% लगभग अच्छा जीडीपी ग्रोथ होता है यार, 6% देखिए 6% जीडीपी ग्रोथ इनका आने लगा आज के डेट में। तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा काफी, क्यों, क्योंकि जितने सैंक्शन लगा रखे थे कोई भी इनसे क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदेगा, किसी भी जो आसपास की जो कंट्री है, खासकर यूएसए वगैरह कंट्री, कोई व्यापार नहीं कर रहा था इनके साथ में। तो बड़ी बड़ी इकोनॉमी सारी इनके साथ में व्यापार नहीं कर रही थी, कुछ इकोनॉमी थी जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये दोनों हालांकि इनके साथ में व्यापार कर रही थी, इंडिया भी इतने ज्यादा लेवल पे नहीं कर रही थी, चाइना तो खैर पूरे कर रही थी क्योंकि चाइना को मतलब नहीं है यूएसए क्या बोल रहा है, पर इंडिया पे इंपैक्ट पड़ता है यूएसए कुछ बोलता है तो, क्योंकि इंडिया के रिलेशन थोड़े डिफरेंट है यूएसए के साथ में, ठीक है। तो इस वजह से अब सारे सैंक्शन हटा दिए गए हैं, जितने भी प्रतिबंध लगा रखे थे वो हटा दिए गए हैं। तो अब ईरान जो है वो आराम से वर्ल्ड के साथ में क्या कर सकता है, वर्ल्ड के साथ में आराम से व्यापार कर सकता है, ये वाला ईरान हो गया, तो वर्ल्ड के साथ में आराम से व्यापार कर सकता है। और हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप करा रहे हैं, इतनी बार बता चुका हूं, आप तो सपने में भी बता सकते हैं, कोई पूछे तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, गवादर पोर्ट है। तो यहाँ से एक ये रास्ता प्रोवाइड कराया जाएगा, और भी कई सारे तुर्कमेनिस्तान हो गया, उनको भी रास्ता प्रोवाइड कराने की बात कर रहे थे, तो कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती दिख रही है जब से ये मतलब जो यहाँ पे रूहानी जी आए थे, तो अभी ये जीत कर आए हैं, 57% इनको वोट मिली है, और इनको जो ये इब्राहिम है इनको मिली है ओनली 38%, ठीक है। इनके साथ में सारे क्लर्जी रिलीजियस लीडर थे सारे एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से ये इनका फोकस क्या चल रहा है, ये मॉडर्न बेस पे चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये मतलब सबको राइट्स दिलाने हैं, रिफॉर्म करने हैं अच्छे से इकोनॉमी के, यहाँ पे देव दिया भी गया है, आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है, ये काफी यूज होगा यहाँ पे, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ये वही प्लान ऑफ एक्शन है जिसके द्वारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट सेट किया गया था, P5+1 हम जिसको बोलते हैं, +1 में जर्मनी आ जाती है और परमानेंट 5 आ जाते हैं यहाँ पे। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पे काम करना किया था, ठीक है ना, तो इन सब ने मिलकर यहाँ पे काम किया, तो इसीलिए यहाँ पे जो एग्रीमेंट निकल के आया, तो वो मतलब जिस तरीके से सोल्यूशन निकल के आया, अब इकोनॉमी अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है। तो अब ये चुन के आए हैं, तो चुन के तो आ गए हैं, पर लेकिन ये बोला जा रहा है कि चैलेंज वो था इनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये माना जा रहा है ट्रंप का, जिसके बलबूते पर, ओबामा जी के बलबूते पर इन्होंने अपने इलेक्शन मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मतलब लोगों को हैंडल किया था, वो सारी बातें चल रही थी, अब वही पत्ता इनका, वही ट्रंप का पत्ता इनका ट्रंप बन गया है, मतलब ट्रंप जी ने इनकी ट्रंप उल्टी कर दिया थी। तो इसलिए ये बातें देखी जा रही है,
तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके सामने, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे सस्टेन रखना है क्योंकि उधर से सैंक्शन लगने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। अनइंप्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ रही थी, यहाँ पे लगभग 12% अनइंप्लॉयमेंट हो गई है, खासकर जो यूथ है उनको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो राइट्स वगैरह है, देखिए यहाँ पे महिलाओं को बहुत बहुत कम राइट्स रहते हैं, तो इन्होंने बोला था कि महिलाओं को भी अच्छे लेवल पे राइट्स मिलेंगे और वुमेन को भी फोकस करके चला जाएगा और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अगर कोई आ रहा है ये नहीं कि अंधाधुंध अपने हिसाब से काम कर रहे हैं आंख बंद करके, जो भी होगा वो प्रॉपर वे में होगा, सबको साथ लेके चला जाएगा। मतलब काइंड ऑफ इनका फंडा आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में ये काम करने के लिए सोच रहे थे, पर लेकिन चैलेंज तो आ ही रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज किसको बोला जा रहा है कि ट्रंप के साथ में कैसे डील करना है, ट्रंप के साथ में कैसे डील करना है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन टाइम पे बोला था कि ये जो डील की गई है ना, ये सबसे वर्स्ट डील है आज तक की, इससे वर्स्ट डील आज तक की वर्ल्ड में हुई नहीं है और मैं आते ही इसको मॉडिफाइड कर दूंगा, तो ट्रंप ने ये बोला था आते ही। ठीक है, पर लेकिन आते ही ट्रंप को पहले तो वही हो गया ना, बाहर तो कुछ बोल रहे हैं, अंदर जाके जब सिस्टम में जाते हैं, जैसे ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सब, तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सब प्रिपरेशन करते टाइम सबको ये लगता है कि वाओ यार जाके सिंगम बन जाऊंगा, काइंड ऑफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम में जाके सिस्टम की तरीके से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, पर लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर करप्ट सिस्टम है तो आपको भी करप्ट बनना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरे एक दोस्त थे, एक थोड़ी सी बात बताता हूँ 2 मिनट की, एक दोस्त थे तो मेरी उनके साथ में बात हो रही थी, तो वो भी मेरे साथ जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो साथ में थे, तो उनसे पूछा, मतलब अपने एक किसी ने उससे पूछा उस दोस्त से मेरे कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। तो उसने बंदे ने जो मेरा फ्रेंड था उसने सजेशन दिया उसको कि गवर्नमेंट जॉब में जाके क्या करेगा, वहां पे तो काम धंधा कोई करता नहीं है, सब फ्री रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट करप्ट हो चुके हैं, और ऐसा कर प्राइवेट में जा, वहां पे जो तेरा मतलब टैलेंट है उसको अच्छे से मतलब लोग बाग देखेंगे भी और तुझे तेरे टैलेंट के हिसाब से काम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बोला गया। फिर उसने आके मेरे से बात करी तो बोला कि बताओ यार ये सही किया या गलत किया। मैंने कहा देखो यार जो ने तुमने सजेशन दिया वो तो तुम्हारा खुद का परसेप्शन था, पर लेकिन ये सोचो, मान लीजिए आपने बोल दिया कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्ट है, आपके हिसाब से करप्ट हो गया वो, पर लेकिन अगर बाहर से बंदे यहाँ पे सही बंदे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो करप्ट डिपार्टमेंट है वो सही कैसे होगा। अगर यहाँ से करप्ट डिपार्टमेंट, अगर करप्ट बंदे अंदर जाते चले जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट को सही कौन करेगा। अगर कोई सही बंदा बाहर से अंदर जा रहा है तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसको और मोटिवेट करना चाहिए कि जाओ भाई कम से कम तुम तो कुछ सही करो जाके। तो हमेशा इस तरीके का, हमेशा इस तरीके की मेंटेलिटी रखो अपनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोचो थोड़ा सा, अपना क्योंकि हमको कंट्री को साथ में लेके चलना है, इंडिविजुअल को हमने ग्रोथ करना है वो एक अलग बात है, पर लेकिन अपनी कंट्री को भी हमको साथ में लेके चलना है, तो सबके बारे में सोचो। ठीक है, तो वही बात हो गई यहाँ पे। तो जब ये सिस्टम में आ गए तो सिस्टम में आते इनको पता चला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो डील थी वो एक बायलेटरल डील नहीं थी कि आपने ईरान के साथ में बैठ के डील कर लिया और आप अपनी तरफ से तोड़ दोगे। और भी कंट्री थी वहां पे, रशिया हो गई, चाइना हो गई, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो और भी थे वहां पे, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी वहां पे। तो जो ये पैक्ट होता उस टाइम पे वहां पे, तो इस पैक्ट के हिसाब से ईरान को रोका जा रहा था कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप न कर सके, तो आगे आने वाले लगभग 10 से 15 सालों तक भी वो अपने यूरेनियम वगैरह जो होता है उसको एनरिच न कर सके। देखिए यूरेनियम का यूज होता है एक तरीके से, तो देखते न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है उसका, इसके अलावा क्या होता है उसको एनरिच किया जाता है, एनरिच किया जाता है उसको, एनरिच करने के, एनरिच का मतलब है उसको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जाता है जिससे कि उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके, इसको बोलते हैं एनरिच करना। ठीक है ना, तो उसको एनरिच किया जाता है। तो जो ये ईरान है वो भी एनरिच करने पर लगा हुआ था और बहुत ही जल्दी, ओनली 1 मंथ अवे था, ये बोला जा रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकता था जब इसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही थी। पर लेकिन अगर इसी तरीके से, मतलब एक ईरान हमेशा यही बोलता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ओनली पीसफुल पर्पज के लिए यूज करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम वेपन बनाने जा रहे हैं। पर लेकिन अगर ये तो है, जो ये पैक्ट सेट हो गया, इसने सेट तो कर दी बातें, ठीक है, कि एक तरीके से प्रिवेंट कर दिया कि आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। ठीक है, पर लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अगले 10-15 सालों तक अपने इसको रोक दिया है। पर लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उस तरीके की एक्टिविटी करते रहे तो फिर से ये अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने के बारे में सोचेंगे, फिर से उधर फोर्स होंगे ये चीजों को करने के लिए, तो वही बात बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं फिर से बातें वही निकल के आएंगी। ओके, इसके अलावा सऊदी अरेबिया का क्या फैक्टर है, सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ में हमेशा मतलब एक ऐसी वो रहती है कि एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाए ढंग से तो खा जाए एक दूसरे को, कच्चा चबा जाए, तो ये कंडीशन रहती है। तो हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखे तो वो ज्यादा बेटर रहता है दोनों के लिए। तो देखिए दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और खासकर
ईरान जो है, ईरान क्या बोलते हैं, ओनली कंट्री है जो अपोज करता है ढंग से किसको, इस्लामिक स्टेट को, क्योंकि इस्लामिक जो टेररिस्ट है उनका भी एक आइडियोलॉजी, वो बोलते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी सुन्नी धर्म को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अपनी सुन्नी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, तो जो सुन्नी कंट्री है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है इनको, ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो सुन्नी कंट्री सपोर्ट कर रही है और ईरान उसको अपोज कर रहा है, तो ईरान के ऊपर सब एक तरीके से पैनी नजर दबाए रखते हैं। ठीक है, और देखिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि यहाँ पे यूएसए जो है वो चाहता है कि आईएसआई को साइड में किया जाए। इसके बाद भी जो सारी कंट्री है वो भी अपना एक अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं जिसको बोला जाता है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस फॉर फाइटिंग टेररिज्म। ठीक है, तो ये लगभग 41 सुन्नी नेशन है इसमें। तो ये क्या है, यहाँ पे जो चीफ है अभी, यहाँ पे आर्मी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है रहील शरीफ जी, जो अभी रिटायर हुए थे, ठीक है, तो वो आर्मी के चीफ है, वो इसके हेड है आज के डेट में यहाँ पे। तो राइटर के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से साइड बताई जा रही है कि हेड भी उन्हीं को बनाया गया है जिस कंट्री में सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी को मतलब पनाह दी जाती है। आईएसआई वाले अपने आपको सुन्नी बोलते हैं और ये भी अपने आपको सुन्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें करते हैं। तो सारी बातें हो रही है एक साइड में, और उसके बाद भी फिर भी जो मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हीं के हाथ में बात दे दी गई है। ठीक है, तो ईरान जो उनको अपोज करता है तो सारी कंट्रीज को खाने के लिए तैयार आती है, तो ये बातें बोली जा रही है। और ऊपर से यूएसए जो है उन्हीं के साथ में बातें कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जो यूएसए है प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं कि आईएसआई को हम खत्म कर देंगे, और उन कंट्री के साथ में एक तरीके से सुलह कर रहा है, उस कंट्री के साथ में जाके मिल रहा है जो कि कंट्री उनका साथ देती है, और जो कंट्री उसका अपोज करती है उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। तो ये दोगली अप्रोच निकल के आती है यूएस की हमेशा। ठीक है, तो वो हमेशा वहां पे फोकस करके चलता है जहां पे उसका फायदा हो, ये फालतू के ये एक तरीके से बोलते हैं ना, ये साधुगिरी वाली जो दिखाते हैं दुनिया को आके कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो ओनली दिखाने के हैं। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो उस वाले पैटर्न पे चलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यही बात बोली गई है। तो आगे क्या बोला है, आगे देख लेते हैं। तो राइटर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो ये अलायंस बनाया इन्होंने, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट द टेररिज्म, ये टेररिज्म से फाइट करने के लिए, आईएस से फाइट करने के लिए, या ईरान से फाइट करने के लिए, या फिर जो गल्फ कंट्री है वहां पे अपनी मोनार्क जो जो ताकत होती है उसको बनाए रखने के लिए। तो अभी इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ईरान से एक तरीके से ये दिख रहा है सीधा सीधा कि ईरान से फाइट करने के लिए, और जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन जो इन्होंने सेट सेट किया गया है इसके द्वारा, अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो ईरान के चारों ओर एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ईरान के चारों ओर वही है कि उसको खाने वाले आदमी है। ठीक है, तो ईरान बीच में फंसा हुआ है, तो ईरान को चारों तरफ से समेटा हुआ है, इधर से पाकिस्तान हो गया, इधर से सऊदी अरेबिया हो गया, और भी कंट्री हो गई। तो वो क्या कर रहा है, अगर इसी तरीके की इम्प्लीकेशन, इसी तरीके की सिचुएशन बनी रही तो सीधी सीधी बात वो है, वो क्या करेगा, फिर से न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में सोचेगा, न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो देखिए रूहानी जी के सामने रूहानी रास्ता नहीं है, उनके सामने बहुत ही सारे चैलेंजेस है, तो देखिए आप आगे फ्यूचर में किस तरीके से चैलेंज को टैकल करके चलते हैं। इसका थोड़ा आप लोगों को याद रखना, कम से कम हेडक्वार्टर तो याद रखी लेना कहाँ पे है, ये रियाद में है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हो गया इन्फॉर्मेशन। इसका नाम याद रखेगा, अभी जो देखिए फॉर्मेशन भी नया नया हुआ है, लगभग दिसंबर मतलब 2016 में ही बोल सकते हैं, 15 दिसंबर को हुआ है, तो 1.5 साल हुई है, तो नया नया है ये टेररिस्ट से फाइट करने के लिए, तो ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ है। और खासकर पाकिस्तान के जो रहील शरीफ जी हैं वो यहाँ पे वो हैं, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिस तरीके से न्यूज में है काफी। ये वाला आर्टिकल म्यांमार से रिलेटेड है, एक एक लाइन इसके ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब नोट्स मैंने बना दिए हैं सारे, तो वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पर मैं आपको एक यहाँ पे जिस्ट बताता हूँ कि एक्चुअली आर्टिकल में है क्या, कहानी टाइप में स्टोरी टाइप में बताता हूँ आपको, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहे। ओके, पहले मैप में देख लीजिए, ये हो गया इंडिया और ये हो गया यहाँ पे म्यांमार। ओके, ये म्यांमार हो गया, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के कितने स्टेट, कितने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। ठीक है, तो म्यांमार के साथ में बाउंड्री है हमारी, तो बताइएगा ये। आइए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, अब क्या है देखिए, ये म्यांमार हो गया, इसकी कैपिटल क्या है, नाइपाइडाउ। ठीक है ना, नाइपाइडाउ टाऊ भी बोल देते हैं इसको, तो ये इसकी कैपिटल है यहाँ पे। तो हुआ क्या था देखिए, पहले से ही जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं आसपास में प्री इंडिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस के आसपास में, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटे छोटे मतलब कई सारी कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक तरीके से इथेनिसिटी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, तो सबको साथ में रख के चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, फिर भी यहाँ पे एक छोटी मोटी सी गवर्नमेंट यानी कोऑपरेट करके सबने गवर्नमेंट बनानी स्टार्ट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्होंने बना ली, जितनी भी छोटी छोटी यहाँ पे कम्युनिटी थी, तो गवर्नमेंट तो इनके द्वारा बना ली गई, पर लेकिन गवर्नमेंट वो ऐसी है जैसे कि मतलब वही हो गया कि बस हाँ काम चलाने के लिए बना ली। तो यहाँ पे एक जो यहाँ की एक तो होते हैं जो यहाँ की मेन कम्युनिटी है, एक है नॉन म्यांमारी कम्युनिटी आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हैं नॉन म्यांमारी की जगह कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इन्होंने अभी एक वर्ड यूज किया गया था यहाँ पे,
ये वर्ड यूज कहते हैं ना नॉन बर्मी, मतलब नॉन बर्मा। देखिए म्यांमार का पहला नाम बर्मा थे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये नॉन बर्मी वर्ड इन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर थी, तो जो नॉन बर्मी फ्यूज थे, जो नॉन म्यांमारी, आप लोग बोल सकते हैं अगर इंडिया के साथ में कंपेयर करें कि कोई भी ऐसे इंसान इंडिया में आके रहने लगे जो कि नॉन इंडियन हो, और वो आके यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाने लगे, दादागिरी दिखाने लगे, और वो सत्ता को हड़पने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला था यहाँ पे। उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे आर्मी का कूप हुआ, ठीक है ना। तो आर्मी ने तख्ता पलट किया उस गवर्नमेंट का, और आर्मी के हाथ में पावर आ गई। ओके तो ये यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट का, ये एक तरीके से फेडरल सिस्टम चल रहा था, सब मिलके काम कर रहे थे, फेडरलिज्म के तौर पे काम कर रहे थे। तो फेडरल सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्मी ने कूप कर लिया, सबसे पहली जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया वो फेडरलिज्म के ऊपर लगाया। आज की डेट में, आज के बाद में उन्होंने अनाउंस कर दिया हमारी कंट्री में फेडरलिज्म नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, अगर किसी ने इसका नाम भी लिया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यहां तक की बात हो गई, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने उसका नाम भी लिया तो उसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्टिकल में भी कि अगर किसी ने एडवोकेट की फेडरलिज्म को लेने के लिए, कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे रहे, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से सेंटर हो गया हमारे यहाँ पे और 29 स्टार्ट हो स्टेट हो गए, तो 29 स्टेटों को भी साथ में लेके चलना है, आराम से मिलकर काम करना है उनके साथ भी, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखानी है, ठीक है। तो सबको साथ में लेके चलना है। तो किसी ने अगर उसका नाम भी लिया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। पत्ते इन सिन, तो ये आदमी जो थे ये पहले मतलब आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया कि हम क्या करते हैं, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, क्वासी फेडरलिज्म, एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो आर्मी के रिटायर थे तो ये इस तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि एक क्वासी फेडरलिज्म लेके चलते हैं हल्का फुल्का सा, जिससे ज्यादा चीजों पे नेगेटिव वे में इंपैक्ट ना पड़े, तो इन्होंने उसको स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो फिर इसके आगे इन्होंने थोड़ा सा उसको और बढ़ा दिया कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो फिर वहां से चीजें थोड़ी अच्छी होनी स्टार्ट हो गई कि हाँ चलो यार फेडरलिज्म को हम देख लेते हैं, फेडरलिज्म है क्या। तो जो वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उस फेडरलिज्म को कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो उससे रिलेटेड अब ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। आज तक वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, बोलने की बात ये है। तो पहले भी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी 24th और 28th से फिर यहाँ पे उसी तरीके की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है नाइपेटाउ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लेके चलना है, तो उसके बेस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। नाइपेटाउ का कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल का नाम दे रखा है। 21st कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये पेंगलोंग, ये भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, 21st यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, एक्चुअली यहाँ पे एक 7 स्टेट है, ठीक है, और 7 रीजनल, एक तरीके से रीजनल, एक रीजनल एरिया है। तो इनको बोला गया कि आप लोग ये एक तरीके से साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, 7 जो है, 7 ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है, हम साथ साथ वाला फंडा ये अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको क्या बोला गया कि आप अपना खुद का एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, खुद की अपनी जो भी अपना चीजें, रूल और रेगुलेशन खुद के बना सकते हैं, बट आपको कंट्री से दूर नहीं जाना है, कंट्री से अलग नहीं निकलना है। ये बिल्कुल आप लोग इसको कंपेयर उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर को जिस तरीके से खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, खुद की पावर दे रखी है, बस वो क्या दे रखा है कि कंडीशन ये है कि आपको इंडिया के साथ मिल के रहना है। तो इसी तरीके की बात ये बोल रहे हैं। तो ये बात निकल के आ रही है कि ये इस तरीके का आप लोगों ने दे तो दिया है, पर लेकिन ये क्या सस्टेन हो पाएगा यहाँ पे, ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग इस एरिया को दे रहे हैं, क्या ये चल पाएगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। इसके अलावा थोड़ी बात और बता देता हूँ जो कि खैर आर्टिकल में नहीं दे रखी है, वो एक्स्ट्रा है थोड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी कुछ दिनों पहले म्यांमार में इलेक्शन हुए थे, तो म्यांमार में इलेक्शन हुए तो कंप्लीटली वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, एक साइड में मिलिट्री है आज की डेट में भी वहां पे, और दूसरी साइड में सिविलियन गवर्नमेंट है। तो कुछ जो यहाँ पे ऑफिस है, कई ऑफिस यहाँ पे आज की डेट में भी, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक मिलिट्री, एक तरीके से अलग एक मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस है उसके पास में कोई ऐसा थोड़ा ना कि पार्लियामेंट की सीटें हैं, यहाँ पे जो डिफेंस है उसके पास में भी पार्लियामेंट की सीटें रहती हैं रिजर्व रह के, कि कुछ इतनी सीटें हैं हमारी रिजर्व हैं, इन पे आर्मी के पर्सनल ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से ये फोकस करके चलते हैं। तो मतलब आर्मी भी यहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने में अपना 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 पार्ट रखती है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट बनाने में, तो इस तरीके की बात है। पर लेकिन जो आंग सांग सुई, जिनको बोला जाता है, नोबेल प्राइज भी मिला था, चलिए बताइएगा नोबेल प्राइज उनको कब मिला था, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया ये, बताइएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो अभी यहाँ पे आई तो अभी उन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़े, पर लेकिन उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर एक मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी के जो बच्चे वगैरह हैं, हस्बैंड वगैरह बाहर रहते हैं, तो काइंड ऑफ चीज है, तो उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट नहीं बन पाई यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट किसी और को बना दिया गया।
तो लेकिन अब क्या कर रही है, हमेशा कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच में आराम से एक सोल्यूशन निकाला जाए और जिससे कि आराम आराम से इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाए। आज की डेट में डेमोक्रेसी है नहीं है, हाफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, हाफ फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो यही बात यहाँ पे चल रही है। तो बोला जा रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट तभी होगा, सब सब मिलकर काम करेंगे और अलाउ किया जाएगा कि डिस्कशन किया जाए फेडरलिज्म के ऊपर, ऐसा नहीं है कि इम्पोज कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो, डिस्कशन करो, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, चीजों को सबको डिस्कशन किया गया था, ऐसा थोड़ा ना कि किसी के ऊपर इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, तो डेवलपमेंट अगर करना है ढंग से तो वही है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन कीजिए किस तरीके से उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो ये यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, इस तरीके के आप लोग सजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल आगे, ये पेरिस क्लाइमेट पीस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पीस कहां से डाल दिया, एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जिस तरीके से बहुत सारी आप लोग बता चुके हैं पहले भी, फिर से लिखना है आंसर, बता तो चुके हैं इतनी बार, चलिए फिर से लिख लीजिए। तो मतलब जो जितनी भी ग्रीन हाउस होती है, जो वेपर गैस वगैरह हो गई, मतलब वेपर वाटर वेपर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, तो ये सारी जितनी भी गैसेज होती हैं, तो इससे रिलेटेड क्या रहता है, तो मतलब जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर बात चल रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को जो याद रखने वाली बात है, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज काफी, जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था, जो 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 इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी को बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 16th वाली हुई थी, इतना याद 16th हुई थी, याद रख सकते हैं वैसे, पर ये जरूर याद रखना है। ठीक है ना, कैनकन, कैनकन मैक्सिकन मतलब जो मेक्सिको कंट्री है, वहां पे 2010 में इसको अनाउंस किया गया था। तो इसी के इर्द गिर्द पूरा आर्टिकल ये घूम रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या बोला गया है कि देखिए, जो पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो बहुत सारी कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर दिया है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई है कि उसको चीजों को सेटल डाउन करना है। किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, सारी कंट्री ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी बोलते हैं, ये प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम कैसे हैं, हर एक कंट्री अपने आप डिसाइड करेगी कि उसने को कितना कंट्रोल करना है चीजों को और कितना उसको फॉरवर्ड करना है, मतलब कितनी चीजें उसको कंट्रोल करके चलनी है एक तरीके से, मतलब जिससे कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैस ना निकल के आ सके। तो देखिए, जो पार्टी कॉन्फ्रेंस है ये 22 वाली, ये मार्कस में हुई थी, मोरक्को में, ठीक है, 2016 में, याद रखना है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली हुई है मई में, ये जर्मनी में हुई है, बोन में, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो वहां पे हुई थी वही चीजें डिस्कस की गई हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक टॉपिक में पिछले लेक्चर में पढ़ा दूं और नेक्स्ट लेक्चर में आके फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लूं, ठीक है, कि पिछले लेक्चर वाला। तो इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में है, कुछ ज्यादा यहाँ पे इनोवेशन नहीं हुआ है। पर लेकिन देखिए, फोकस क्या है, ये माना जा रहा है कि आज की डेट में टेम्परेचर जो है 3 डिग्री बढ़ जाएगा, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला, आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चला जब ब्रिटेन में, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 18th जो सेंचुरी थी, 17th और 18th सेंचुरी में लगभग अच्छे लेवल पे होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होने से पहले, तो उस टाइम के टेम्परेचर को यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि प्लैनेट वार्म अप टू बाई 3 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। तो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर जो था उससे 3 डिग्री तक, मतलब जो बढ़ा है उसको कंट्रोल करके रखना है। तो रखना कितने तक है, 2 डिग्री तक रखना है, लेकिन माना ही जा रहा है कि 3 डिग्री बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सब अगर साथ चलेंगे तो तभी इसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, तो इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, जो हम लोगों ने देखी है, हमने टारगेट बना रखे हैं 175 का अपना सोलर पैनल का, तो ये वाली 2022 तक हमारा टारगेट है। तो ये वाले टारगेट जो हम लोग के चल रहे हैं, 100 तो क्या है इसमें, यहाँ पे सोलर है, इसके अलावा बची हुई फिर विंड हो गई 60 और 15 फिर ये जो हाइड्रो वगैरह हो गया, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से। तो वो सब पे अगर फोकस करके चलेंगे तो चीजों को सेटल डाउन किया जा सकता है। पर लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, जो इनका नेशनल डिटरमिनेंट प्रोग्राम है उस पर भी ये अभी टिके नहीं रह रहे हैं, तो उसको भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जो टारगेट है, देखिए उसमें टारगेट क्या है, एनुअल असिस्टेंट देना है 100 बिलियन का, ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके 2020 तक। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लगभग 10 बिलियन इकट्ठा हो पाया है मुश्किल से, ठीक है, और इसकी जो 2020 तक था उसको बढ़ा के भी 2025 कर दिया गया। तो कमिटमेंट देखिए ढंग से फॉलो करके नहीं चल रहा है, और खासकर ऐसी कंट्री है जो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आगे होने ही वाली है। तो कमिटमेंट जो फंड जो प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है एक तरीके से इनेबलिंग द लोअर, जिसके तरीके से लोअर एमिशन हो जाए उसे फोकस करना है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से डील करना है उसमें फोकस करके चलना है। जो एनडीसी की जो स्टेटमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो बोला जा रहा है कि 2.5 ट्रिलियन इंडिया के लिए ही जरूरत पड़ेगी ओनली, ठीक है, इंडिया के लिए 2000
2030 तक। तो इंडिया को इतनी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जो आइलैंड है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी हाथ नहीं है, पर फिर भी सबसे ज्यादा झेल रहे हैं वो, तो उन पर भी फोकस करके चलना है। मतलब कुछ उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस तो उनके ऊपर ही करना चाहिए, वही हो गया ना बेचारा, उन्होंने किया तो कुछ है नहीं, वो है ना कि गलत गड़बड़ करके कोई और भाग गया और पिट कोई और रहा है उसकी जगह, तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा किसी भी किसी तरीके से। तो जितनी भी पुअर कंट्री है और कंट्री है वो देखिए इनकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा जी, उन्होंने कितना किया था, 500 मिलियन देके गए थे वो जनवरी में। ठीक है, और लगभग 40 कंट्री अपना दे चुकी हैं यहाँ पे, लगभग अभी यूएसए, जापान, यूके कंट्रीब्यूट कर चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं वो, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने ही एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने में भी सबसे ज्यादा नहीं कहा है। पर लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे जो इंडिया है या डेवलपिंग कंट्री है, उनको उनका नेशनल जो डिटर्मिनेंट जो प्रोग्राम बना के चल रहे हैं उसको कंप्लीट करने में अगर ये असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराए पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए टफ हो जाएगा जो डेवलपिंग कंट्री है इस चीज को अचीव करना। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा अगर ये क्लाइमेट वाला फंडा है इसको कंट्रोल करके चलना है तो। ओके, पेज 1 पर न्यूज है और ये पेज 10 पर भी न्यूज है, सोशल बायकॉट ऑफ द ट्रिपल तलाक। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सजेशन दिया गया था और उसके बाद में जो बातें निकल के आ रही हैं, वो ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो खुद ही इसका कम से कम कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाले। क्या कि ट्रिपल तलाक वाला जो फंड है, एक तो आदमियों तक ही सीमित नहीं रखना है वो, अगर औरत चाहे तो वो भी ट्रिपल तलाक दे सकती है। दूसरा इसके अलावा ये है कि शादी के टाइम पे जब शादी कराई जाती है तो तभी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ट्रिपल तलाक से दूर रहें। ट्रिपल तलाक ये नहीं है कि आप 3 बार तलाक बोल दिया और बस तलाक हो गया। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर कोई इस तरीके का स्टेप्स लेता है, ट्रिपल तलाक में जाता है, तो उसका सोशली बायकॉट किया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सही स्टेप भी एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आदमी ज्यादा अच्छे हैं और वुमेन अच्छी नहीं है, तो काइंड ऑफ तो सबको इक्वली मिलके रहना है। तो उसी के बारे में, तो जो मुस्लिमों का है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसने इस तरीके की बातें बोली है कि सबको इन्फॉर्म किया जाएगा जब शादी होगी तो कम से कम कि ट्रिपल तलाक से दूर रहे। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो काफी डिस्कस कर चुके हैं वैसे पहले भी हम लोग इस आर्टिकल को, तो अब जो थोड़ी सजेशन है वो देख लिया हम लोगों ने। पेज 2 पर न्यूज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में हम लोगों ने सुना था, और खासकर मस्टर्ड जो कि सरसों बोलते हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा था। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वही होती है कि एक ऐसी क्रॉप बना देना उसके जीन्स में चेंज करके, ताकि उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ सके एनवायरमेंट का, पानी की कम जरूरत पड़े, जो पेस्ट वगैरह होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, जो नॉर्मल क्रॉप में रहते हैं वो सारी अपोजिट कर दिया जाता है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कैनोला। कैनोला एक तरीके की मतलब इंटरनेशनल नेम है ये, मस्टर्ड का ही नाम याद रखना है आप लोगों को, पूछा जा सकता है कि कैनोला क्या है, तो ये इस तरीके का है। तो यहाँ पे अभी बात की जा रही है कैनोला फार्मिंग डेवलप की जाएगी। ठीक है, तो काफी टाइम से ये उगाई भी जा रही है पंजाब वाले एरिया में, तो कैनोला विलेज बनाने की बात चल रही है, तो इसे फोकस दिया जाएगा। ये बोला जा रहा है काफी हेल्दी है ये और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। ठीक है, और इससे येलो जो रिवोल्यूशन है उसमें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, येलो रिवोल्यूशन को भी आगे बढ़ाने में फायदा मिलेगा। येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑयल सीड से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों को ब्राउन रिवॉल्यूशन बताना है किससे रिलेटेड है, ब्राउन रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है। ठीक है, और एक तो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसी तरीके से एक और रिवॉल्यूशन है ग्रीन से रिलेटेड ही। ठीक है, तो वहां पे रिवॉल्यूशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं वैसे, तो जिस तरीके से ग्रीन है उसको बोला जाता है एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, तो एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में बताइएगा वो किससे रिलेटेड है। अगर एक आधा और बताना चाहते हैं, लाइक क्या नाम है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन बता दीजिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये भी कुछ कुछ हल्का सा इसी चीज से रिलेटेड हो जाएगा, और ग्रे रिवॉल्यूशन बता दीजिएगा किससे रिलेटेड है। तो 2-3 रिवॉल्यूशन के नाम याद कीजिएगा, कल इनको मैं सबको आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, कल सब रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अब देखिए पेज 9 पे ये न्यूज है। पेज 9 पे न्यूज क्या है, ये डार्क में जो दिया गया है कि 37% इंडियन स्कूल डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पे ये डार्क है लगभग, तो परसेंटेज स्कूल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो जहां पे ये बढ़ता चला जाता है डार्क वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखिए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बात की जाती है वहां पे, गर्मियों में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और देखिए ये साउथ वाले रीजन है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे देखा जाए, पर लेकिन ये वाले रीजन बिल्कुल, और खासकर मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर में भी इसी हालत है, और ये वाला रीजन मतलब सब रीजन में काफी बुरी हालत है अगर देखा जाए तो होना चाहिए। झारखंड वाला और खासकर आसाम वाला तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, इधर जम्मू कश्मीर और ये वाला मध्य प्रदेश वाला तो सबसे ज्यादा किसमें, झारखंड में और आसाम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ा कम यहाँ पे आ गया जम्मू कश्मीर वाला, मध्य प्रदेश वाला और उड़ीसा वाला रीजन हो गया, तो थोड़ा याद रखिएगा। ओके, आगे क्या दे रखा है, देखिए जो हमारे प्रधान जी हैं,
ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि रिमूव करो एशियन, जो एशिया में प्रीमियम, प्रीमियम एक तरीके से एक्स्ट्रा जो चार्ज लगा के चलते हैं। मान लीजिए कोई जो कंट्री है जहाँ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहां से ऑयल खरीद के लाते हैं हम, जो क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज टाइप का लगता है। तो ये बोले कि उसको साइड में रखो, आपको तो डिविडेंड देना चाहिए, मतलब एक तरीके से और सपोर्ट करना चाहिए हमारी कंट्री को, क्योंकि हमारी कंट्री के ऊपर ही तो आपकी इकोनॉमी चल रही है। तो इस तरीके की बातें बोली जा रही है। तो बोला है कि आपको एशियन, मतलब एशियन डिविडेंड देना चाहिए एज कम्पेयर टू, और प्रीमियम आप लोग लगाते हैं तो उसको साइड में रखो। ठीक है, तो इसके बहाने से देखिए ये देख लेते हैं थोड़ा। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, एक बार आप लोग यहां से देखिए, आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये कंट्री है टोटल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वाडोर होगी, वेनेजुएला होगी, अल्जीरिया होगी, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, ठीक है, तो ये सारी कंट्री होगी यहाँ पे। तो ये टोटल कंट्री है, इनको ओपीईसी कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो इनका हेडक्वार्टर है वो थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, हेडक्वार्टर जो है वो इनमें से किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, 13 कंट्री है पर हेडक्वार्टर किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आ जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल का कहाँ पे क्या क्या पेट्रोल का प्राइस रहना है वो सारा यही सब डिसाइड करती है। तो इन्हीं के द्वारा वो सारी चीजें डिसाइड करी जाती है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है सब इन्हीं के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आर्टिकल था, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। और खासकर पेट्रोलियम के प्राइस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, सऊदी अरेबिया ने पहले बोल दिया था कि पेट्रोलियम के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे कुछ भी हो जाए, पर लेकिन अब फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो इनकी सहमति से ही होता है वो सब। ठीक है, ये देखिए पेज 14 पर न्यूज है, स्मॉलेस्ट नेशन जो इन द सोलर अलायंस। सोलर अलायंस के बारे में आप लोगों से कल भी डिस्कस कर चुका था मैं, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है उसका, इंडिया ने उसको स्टार्ट कराया गया था पेरिस, पेरिस में जो जो पेरिस क्लाइमेट के टाइम पे उसको स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा 2015 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये देखा गया, ये है नेहरू। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, नेहरू ये यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ गया ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर, अगर थोड़ा सा खुद के मैप में यहाँ पे देखा जाए कंप्लीट मैप में, तो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, ये इंडिया ये हो गया, तो यहाँ पे पड़ेगा ये नेहरू। ठीक है, तो इसने भी इसको ज्वाइन किया है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ठीक है, तो इंडिया देखिए एक तरीके से इंडिया 2 बिलियन फाइनेंस कर रही है अफ्रीका में प्रोजेक्ट के लिए सोलर अलायंस का, टोटल तो 10 बिलियन है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अफ्रीका के जो बैंक की मीटिंग होने वाली थी, इंडिया में मीटिंग होने वाली थी, वो भी कल परसों डिस्कस किया था। बताइएगा कौन सी सिटी में होने वाली थी, गुजरात की सिटी में होने वाली थी, इतना भी बता देता हूँ, सिटी का नाम लिखेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, अब इसने भी ज्वाइन कर लिया गया है, तो सबसे छोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ओके, आगे देखिए पेज 14 पे न्यूज है पेटीएम से रिलेटेड। पेटीएम जो आपका वैलेट पेपर जो हुआ करता था, वैलेट आप लोग यूज करते थे एक तरीके से पैसे डालने में, अब वो पेटीएम बैंक हो गया है। 4% आप लोगों को पैसे मिलेंगे उसमें सेविंग पर डाल, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा ये 23rd of May, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा ये पेटीएम बैंक में। ठीक है, तो आगे क्या बोला जा रहा है, ये इनका टारगेट जो है 2020 तक 500 मिलियन जो कस्टमर है, मतलब एक तरीके से 500 मिलियन बेस वाले कस्टमर बनाने की बात है, बेस बनाने की बात है इनकी। देखिए वो ये जितने ज्यादा कस्टमर रहेंगे इनका इतना ज्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा 5 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लगेगा वो 20 रुपीज चार्ज लगेगा। तो पेटीएम एक तरीके से पेटीएम जो नॉर्मल जो पेटीएम वॉलेट हुआ करता था उससे पेटीएम बैंक पे ट्रांसफर कर गए हैं, और वही सब केवाईसी नो योर कस्टमर वाला फंडा रहेगा, अगर इसमें अकाउंट आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट वगैरह खुला चाहते हैं, तो वो सारी चीजें और दे रखी है यहाँ पे, और काफी आप इसका नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड। अब देखिए ये भी काफी अच्छी न्यूज हो सकती है, पेज 14 पर न्यूज है, इंडिया बिकेम द नंबर सेकंड स्टेनलेस स्टील मेकर। तो ये स्टील के जो बर्तन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, इसमें इंडिया सेकंड पे आ गया जापान को ओवरटेक करके, अब चाइना ओनली हमसे आगे है। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। तो जो स्टील जो प्रोड्यूस की जाती थी अकॉर्डिंग टू, मतलब लगभग, तो काफी है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन रज 9% लास्ट ईयर इतना था। ठीक है, 2015 में कितना था, ये 3% था। तो मेक इन इंडिया वाले और स्मार्ट सिटी जो हम चीजें बना के चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन सब चीजों से। ओके, तो उसे फोकस दिया जा रहा है। और देखिए मुंबई इंडियन फिर से आईपीएल जीत चुकी है, ठीक है, तो थर्ड टाइम इन हैदराबाद। तो आप लोगों को बताना है ये कौन से नंबर का, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, कौन से नंबर का आईपीएल था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा किस टीम को हराया है, ठीक है, और कितनी बार जीती है, तीसरी बार तो जीती है, चलो दो चार बातें बता दो। एक और बताइएगा सबसे ज्यादा बार आईपीएल कौन सी कंट्री जीती है, वो कौन सी टीम जीती है, कंट्री बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन हो गया, कल शाहरुख का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लीजिए। वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो थीम है 2017 की, वाटर वेस्ट नहीं करना है, तो देखिए वाटर को जितना सेव करे इतना ज्यादा अच्छा है। 2018 का जो है जो थीम है वो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ वाटर,
ठीक है ना, कोई भी कृत्रिम सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, नेचर के बेस पे दिखाना है। वांगेन्यू रिवर है ये, न्यूजीलैंड की सबसे पहले लाइव एंटिटी बनाई गई है, जिस तरीके से इंडिया में गंगा और यमुना बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोरी पीपल है, ये इनके मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल इंपोर्टेंस है, जिस तरीके से हमारे यहाँ गंगा की है, सिमिलर उसी तरीके से है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह से आगे मैंने दो सत्याग्रह पूछे, तो चंपारण के लगातार है ये, उसमें लगाने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा इससे बाद में हुए हैं, तो सिनर्जी में लगाने के लिए आ जाते हैं। तो चंपारण से आगे फिर अहमदाबाद हुआ था, अहमदाबाद से बाद में खेड़ा हुआ था, और चंपारण में मैंने पूछा था तो राजकुमार शुक्ला जी को इनवाइट किया गया था, महात्मा गांधी उल्टा बोल दिया महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया था राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा। ये गलती भी होना अच्छी बात रहती है, गलती हो गई ना, अब आप लोगों को याद रहेगा राजकुमार शुक्ला जी, जिनको याद नहीं है। ओके चलिए यार, खुश रहिए, देखिए जितना खुश रहिए उतना अच्छा है, दूसरों से खुशी बांटते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। पीडीएफ आपको नीचे जी जो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और लेक्चर मतलब लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिएगा, और पसंद भी आता है तो फिर चीजों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।